धक्का दे के बहुत पीछे खड़ा कर दिया जा करके, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। और उन्होंने जो मुझे सपने दिखाया कि संतोष भाई यू आर एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, आज अपने ऊपर मुझे कोफ्त होती है और मैं अपने आप से नाराज़ होता हूँ, शीशे में देखता हूँ, खुद को चमाट मारता हूँ, दो तीन चमाटी ये ढपा ढप मारता रहता हूँ कि ये क्या मैंने अतरंगी बना किया, ये कौन सी फिल्म बनाने के चक्कर में लग गया था मैं। ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने एक बड़े घराने में जन्म लिया, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के बेटे हैं। तो मैं तो हमेशा से देखता आया हूँ कि लखनऊ में आपको पता होगा चिकन का काम होता है, चिकन की मार्केट है, कुर्ते पैजामे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष तिवारी और आज हमारे साथ है बेहद ही खास एक मेहमान जिन्होंने पहले अपनी एक्टिंग से टीवी इंडस्ट्री में अपना डंका बजवाया और उसके बाद जब वो फिल्मों में आए तो फिर क्या कहने हैं, जिन्होंने जय हो में सलमान खान के साथ एक अलग अपना पहचान बनाया और अब वो दबंग 3 में फिर से दिखाई देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं संतोष शुक्ला जी की, जो कि मेरे दोस्त भी हैं, बहुत खास हैं। और संतोष, इतने दिनों के बाद आप दिख रहे हैं, आपके जो चाहने वाले इंक्लूडिंग मी वो सब ये सोच रहे थे कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिल्मों की, आपके नए शोज़ की इतनी सारी बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, लेकिन आपके बारे में इतने दिनों के बाद पता चला और वो भी बैंग ऑन दबंग 3 के साथ। तो आशीष, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर और एक बार फिर से हम रूबरू हो रहे हैं, आमने सामने हो रहे हैं। मैं था यहीं पर और कुछ अलग करने की कोशिश में लगा हुआ था। इंसान का फ़र्ज़ होता है कि वो कोशिशें करता रहे, कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी वो उस ऊपर परवरदिगार के हाथ में है। तो उसमें कहीं थोड़ा सा उलझ गया था मैं, जो होता है ना कि एक दिमाग में सनक सवार हो गई कि अब टेलीविज़न नहीं करूँगा और कुछ अलग करूँगा, कुछ अपने तरीके का, कुछ एक अलग रोल निकल के आएगा। उसमें क्या होता है, आप फिल्म इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं, और ये बात उन सभी एक्टर्स को लागू होती है जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, उन पे भी लागू होती है जो अभी मुकाम हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिंग के लिए। द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड दे वॉन्ट टू कम इन टू द इंडस्ट्री एंड एज ए प्रोड्यूसर, आप जो ये नए प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये जो छोटे प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनमें 100 में से मुझे लगता है 80% जो है ना वो जेन्युइन नहीं होते। ओनली 20% द पीपल हु आर जेन्युइन, वो खाली उनकी मात्रा से 20% है। तो उसी में से मुझे एक साहब से मेरी मुलाकात हो गई कुछ साल पहले और उन्होंने मेरा, मतलब उन्होंने मुझे, मैं जो रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मेरी रफ्तार को रोक दिया और मुझे जो, मैं जिस कतार में खड़ा था उस कतार से मुझे धक्का दे के बहुत पीछे खड़ा कर दिया जा करके। तो ये क्रेडिट उनको जाता है। और उन्होंने जो मुझे सपने दिखाया कि संतोष भाई यू आर एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, व्हाट एन एक्टर, क्या काम किया आपने जय हो में सलमान खान के साथ, मतलब क्या बात है, वाह। तो अब भाई थोड़ा चढ़ गए हम भी, हमने कहा क्या बात है, वाह यार, ये आदमी तो, बोले भाई लेट्स मेक अ फिल्म। मैंने, आर यू सीरियस, बोले यार। शुरू में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, इन्वेस्ट किया तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन है। और बातचीत बढ़ते 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 आगे चली गई और उसमें उन्होंने 1-1.5 साल लगा दिया। और वो बड़ा, वो वक्त, मतलब मैं याद करता हूँ आज भी, तो मुझे लगता है कि मैं इतना काम करने के बाद और इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद, सलमान खान जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ इतना बड़ा काम करने के बाद मैं कैसे उलझ गया इन चीज़ों में, आज अपने ऊपर मुझे कोफ्त होती है और मैं अपने आप से नाराज़ होता हूँ, शीशे में देखता हूँ, खुद को चमाट मारता हूँ, दो तीन चमाटी ये ढपा ढप मारता रहता हूँ कि ये क्या मैंने अतरंगी बना किया, ये कौन सी फिल्म बनाने के चक्कर में लग गया था मैं। अब नाम संतोष शुक्ला का है, आप नए हैं, आपकी पता नहीं क्या बैकड्रॉप में आपके क्या चल रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है। सो दिस इज़, ये बहुत ही कड़वा सच है, द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री दे विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ द फिल्म इज मेक। आप कभी समझ ही नहीं सकते कि फिल्म मेकिंग क्या है। और चलिए, अब बुरा जो वक्त था वो निकल गया है, अभी धमाकेदार वक्त आने वाला है और दबंग 3 मतलब हर तरफ बज है उसका, right. और छाए हुए हैं न्यूज में, पता चल रहा है नए अवतार में दिखाई देंगे, कुछ बताइए क्या चल रहा है, कैसी शूटिंग हो रही है। मेरे भाई, दबंग 3 इज़ अ वेरी बिग फ्रेंचाइज, जो सबको पता है, और सलमान खान है इसमें, तो इसके आगे जो है
अभी इतनी बड़ी फिल्म में ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग अगर अपने को ना इतनी बड़ी फिल्म में सलमान खान के पीछे खड़े होने को मिल जाता है ना। सो दैट इज़ मोर देन एनफ। क्या अचीवमेंट चाहिए? लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक फ़ोटो ऐसे ही हो, ये गैलेक्सी में खिंचवा के चले जाते हैं और जा कर के सालों तक दिखाते हैं अपने गाँव में। तो आपको तो काम करने का मौका मिल रहा है, उस इंसान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। अब क्या होता है कि मैं अभी इसमें थैंक यू बोलता हूँ तो वो न्यूज़ में ही चलता है कि पहले भी थैंक यू बोला था और आजकल भी सोशल मीडिया पे संतोष शुक्ला सलमान खान को बहुत थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये सलमान भाई ने कहा था और हमारी फिल्म का एक स्लोगन भी था और वो कि थैंक यू मत कहो, तीन लोगों की मदद करो और उनको बोलो और तीन की मदद करें, क्योंकि शायद इससे दुनिया बदल जाएगी। जय हो। क्या बात है। और क्योंकि आपकी मैंने शुरुआत भी बताया कि बॉन्डिंग बिग बॉस के वक्त से ही दिखती थी, जब भी आप स्क्रीन पे आते थे और वीकेंड का वार हो या कभी भी, तो भाई के साथ आपकी जो ट्यूनिंग होती थी वो कमाल की थी। और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, अभी जय हो में भी दिखा और अब दबंग 3 में भी, जी जी जी। कैसी कैमराटरी शेयर करते हैं, क्या केमिस्ट्री है वो बताना चाहेंगे? यार सलमान भाई जो है वो बहुत ही साफ दिल इंसान है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सुपरस्टार्स तो बहुत आएंगे, स्टारडम किसी और पे शिफ्ट हो जाएगा आने वाले वक्त पे, लेकिन ऐसा इंसान जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, जिसके जो मतलब हर एक के लिए सोचना इतना ज़्यादा, इस किस्म की चैरिटी करना जो कि दिखावे के लिए नहीं करते हो, और इतने लोगों की मदद करना। मुझे नहीं लगता कि सलमान खान के पास कोई जाता है और शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोले कि हम निराश होते हैं, तो मुझे तो आज तक ऐसा नहीं मिला। तो हालांकि बीइंग ह्यूमन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बीच में कुछ उसमें गलत लोग भी घुस जाते थे फॉल्स अपनी तकलीफ़ में बता करके, तो अभी उन्होंने पूरा उसको एक बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया है और पूरा सब एक अलग सेगमेंट है उसका, एक सेक्शन है, कुछ लोग हैं जो सब जांच पड़ताल करते हैं, डॉक्टर्स की ये वो सारी चीज़ें। तो ही इज़ एन अमेजिंग मैन और बिग बॉस के टाइम से ही, सीज़न 6 में जब व्हेन आई वाज इनसाइड द बिग बॉस, सो वो टाइम से ही मुझे लगता है कि वो हमारी केमिस्ट्री जो है ना वो एक कमाल बन गई थी उनके साथ, और वो ऐसा जो बाकी के कंटेस्टेंट थे उनको भी लगता था घर के अंदर कि आपका कुछ अच्छा होने वाला है, और बाहर आते ही अच्छा हो गया था। तो अब मैं बस अपने ऊपर मैं मुझे लगता है एक जिम्मेदारी फील करता हूँ, मैं आई वॉन्ट टू मेक प्राउड सलमान भाई। तो दबंग 3 तो चलो उनके साथ कर ही रहा हूँ मैं, आगे भी इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो और भी काम करेंगे उनके साथ, बट मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ अलग से, कुछ ऐसा कि सलमान भाई भी प्राउड फील करें कि इस संतोष शुक्ला को मैंने लॉन्च किया था जय हो में, सी वेयर ही इज़ नाउ। सो वो जद्दोजहद में, हाँ बट वो जद्दोजहद में अभी वैसे लोगों के साथ दोबारा नहीं जुड़ूंगा, कान पकड़ता हूँ, हाँ अच्छे लोगों के साथ जुड़ूंगा और अच्छा काम करूँगा। और आई एम श्योर कि बिग बॉस के बाद आपको और भी रियलिटी शोज के ऑफर आए थे बहुत सारे, लेकिन फिर आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया अभी? यार मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस तो चलो एक शो था, वो हो गया और बड़ा मज़ा भी आया वहाँ जाकर के, क्योंकि उसमें सलमान खान थे होस्ट, और मैं अभी रियलिटी शोज़, मैं अपने आप को एज एन एक्टर, मैं आया था यहाँ एक्टर बनने, और ये मुझे कोई बोलता है कि संतोष भाई आप तो सेलिब्रिटी हैं और उधर आना है, सो ये सेलिब्रिटी का मतलब मुझे अभी भी समझ में आता नहीं है क्या है, और मैं एक्टर बनना चाहता था और वही बनना चाहता हूँ अभी भी। तो मेरी पहचान किसी रियलिटी शो से बड़ा फेमस कंटेस्टेंट था वो नहीं चाहता हूँ मैं कि हाँ भाई संतोष शुक्ला ने जय हो में बहुत अच्छा काम किया, दबंग 3 में बड़ा अच्छा लगा सर आपका, बहुत डिफरेंट था, बहुत बढ़िया, अभी वो फिल्म में आपका किरदार बहुत अच्छा लगा। तो अभी जैसे मैं आई लुक अप टू इरफान खान, के मेनन, नवाजुद्दीन, दीपक डोबरियाल, ये सब जितने भी जो कलाकार हैं हमारे, ये इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ यार ये लोग एक्टर हैं मतलब। तो इरफान खान को मैंने आज तक किसी रियलिटी शो में नहीं देखा, और नवाज़ भाई को भी मैंने किसी रियलिटी शो में नहीं देखा, और मैं अपने काम के लिए पहचाना जाना चाहता हूँ, ना मैं किसी की को, भाई ये यूट्यूब पे बहुत इनकी बयानबाजी आती रहती है, या ये किसी चैनल पे बहुत फेमस है, या ये इनके भाई पेज पे देखा भाई वो उन्होंने वीडियो डाला उस पर कितने लाइक्स आए शेयर आए, वो नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के लाइक्स और शेयर पे मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा इस पर, कि संतोष शुक्ला एक कलाकार है, संतोष शुक्ला एक बहुत अच्छा एक्टर है, संतोष शुक्ला आज फिल्म लगेगी, पर्दा उठेगा और उस फिल्म में अगर संतोष शुक्ला भी दिखेगा तो क्या नया करता हुआ नज़र आएगा संतोष शुक्ला,
वो मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान बने एज एन एक्टर. आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ टू कॉल्ड लाइक ओके यार ही इज़ अ वेरी फेमस कंटेस्टेंट फ्रॉम सम रेप्यूटेटेड एक्स वाई जेड रियालिटी शो और इज़ वेरी फेमस ऑन यूट्यूब और इज़ वेरी फेमस ऑन दिस एंड दैट. नो भैया, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग आती है, मेकअप लगाता हूँ, डायरेक्टर जो बताता है वो बोलता हूँ, राइटर जो लिखता है वो अपने अंदाज में उसको पेश करना मुझे आता है. मैं वही करना चाहता हूँ और उसी से मैं अपनी जो मेरी ख्याति है, जो मेरी फैन फॉलोइंग्स है, मैं चाहता हूँ उससे बढ़े, ना कि इन सब चीज़ों से. और जैसा कि आपने शुरुआत भी की थी कि कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो दूसरे इंटेंशंस के साथ आते हैं, क्या संतोष भाई ऐसा लगता है क्योंकि इंडस्ट्री में आप अपने दम पर आए, कोई वैसा गॉडफादर नहीं है, और जैसे बीच में अभी काफ़ी एक इशू उठा भी था कि नेपोटिज्म है, काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि नहीं है नेपोटिज्म, आपका क्या मानना है, क्या सही में कि गॉडफादर नहीं होने से या फिर इस तरीके कोई एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होने से उसका फ़र्क पड़ता है क्या? यार देखो, मैं आपको बता दूँ, फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें तो मैं नेपोटिज्म और इन सब चीज़ों पर मेरा कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है. बहुत सारे एक्टर्स जो अभी आए हैं उन्होंने आकर के प्रूव कर दिया है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे आएंगे. दूसरा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आज भी दोहराऊँगा कि लक प्लेज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. आपका जो भाग्य है वो अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपको कोई रोक नहीं सकता. गॉडफादर तो मतलब एक अजीब सा एक डिपेंड होने वाला वर्ड है, मुझे लगता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हैं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी ज़ीरो है और आपको शायद काम आता नहीं है और आपको कोई और काम देता नहीं है, तो आपका कोई एक गॉडफादर है जो आपको काम दिलाएगा, विच इज़ गुड. जिन लोगों के साथ है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप खुद के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए. है सब अंदर ही है, उसको लोग समझ नहीं पाते, सब उसको निकालना पड़ता है, आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा बहुत तगड़े से जाकर के. कहीं बैठ जाओ, जाके पहाड़ वहाड़ पे पर्वत में जाकर के बैठो, मंथन करो भोलेनाथ का, वहाँ से निकल के आओ, एक महीने, दो महीने, तीन महीने बाद निकल के आओ, जितना टाइम लेना चाहते हो, बट आओ तो एकदम नए बन करके आओ. फिर ये छोटी चीज़ों से हटा दो अपने आप को कि नेपोटिज्म और ये कुछ नहीं. नेपोटिज्म क्या है यार, आप कलाकार अच्छे हैं, आपको अपना काम करना आता है, बस ख़त्म हो गई. अब ये जो लोग अगर किसी हीरो के कोई बेटे हैं और वो फिल्मों में आना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये उनका भाग्य है कि उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया. आपका भाग्य है आपने जहाँ जन्म लिया, और हमारा भाग्य है हमने जहाँ जन्म लिया. ये भाई साहब जो हमारे कैमरामैन हैं, इनका भाग्य है इन्होंने जहाँ जन्म लिया, तो ये सबका अपना एक भाग्य है, उसको दुर्भाग्य नहीं समझना चाहिए. ये सोचना चाहिए कि हमारा अहो भाग्य हमने यहाँ जन्म लिया और हम में इतनी ज़्यादा ताकत भगवान ने दी थी कि तुम जाओ और बम्बई जा करके फाइट करो और अपने हिस्से की रोटी ज़मीन का सीना फाड़ के निकाल लो. तो वो मुझे लगता है एक बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है. ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने एक बड़े घराने में जन्म लिया, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के बेटे हैं. तो मैं तो हमेशा से देखता आया हूँ कि लखनऊ में आपको पता होगा चिकन का काम होता है, चिकन की मार्केट है, कुर्ते पैजामे. तो भैया वहाँ लाइन से चौक, लखनऊ में एक बाज़ार है चौक जहाँ पे लाइन से चिकन की दुकान है और सबकी दुकानें चल रही हैं, और उनके जो बेटे हैं और उनके जो दादा परदादा वो सब वही करते चले आ रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई चाट बेचने लग गया. तो इसमें क्या बुराई है? ये सेम फिल्म इंडस्ट्री पे लागू होता है कि अगर हमारे दादाजी एक्टर थे और हमारे पिताजी भी एक्टर थे तो हम भी एक्टर बन रहे हैं. तो अब इसमें सामने वाले को जेलसी हो रही है कि यार आप, हाँ एक थोड़ा सा एक्स फैक्टर रहता है क्योंकि जो नए एक्टर्स आते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन बस वही है कि नीयत साफ तो मंजिल आसान. तो डरो मत स्ट्रगल से. इस गर्म तपते हुए टीन की छत पे किसने कहा था चलने को, इस गर्म तपते हुए टीन की छत पे किसने कहा था चलने को, और अब जो चल पड़ा है, और अब जो चल पड़ा है तो या तो इसे पार कर या फिर लौट जा, बीच रास्ते में तमाशा मत बन संतोष शुक्ला. क्या बात है बाबा, अभी भी वो जो अंदाज है करंट है बाबा है. संतोष भाई आपका ना एक सिग्नेचर स्टाइल था, लंबे बाल और क्लीन शेव और वो सब, अभी एकदम लुक चेंज हो गया है, ऐसा क्यों? ये दबंग थ्री के लिए है क्या? कह सकते हैं आप, क्योंकि वो सेम लुक हो जाता है जय हो वाला, और सलमान भाई को भी यही लगा था कि वो सेम लुक हो जाएगा, लंबे बाल. तो अभी बाल छोटे करा दिए हैं, थोड़ा एक अलग लुक नज़र आएगा, कुछ एक अलग दिखेगा फिल्म में. और मुझे लगता है कलाकार को अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए. अभी ये दबंग थ्री हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी बहुत हल्की करा दूंगा. अभी तो ये एकदम बियर्डो हो गया. हाँ, मतलब KGF हो रहा हूँ. अगर KGF वाले देख रहे हैं तो सुन लो भाई, हम भी खड़े हुए हैं, दो अपने साथ कभी काम, हम भी दिखाते हैं थोड़ा सा.
बम बम। केजीएफ से याद आया, साउथ इंडस्ट्री में आप मतलब उसमें क्यों नहीं आप दखल दे रहे हैं? प्रभु देवा जी को मैंने बोला है, प्रभु देवा जी को हमने रिक्वेस्ट करी, हमने कहा है कि वेयर एवर आई गो एंड जिससे भी मेरी मुलाकात आती है वो मुझे देखते हैं, ये लोग बोलते हैं कि सर यू कैन बिकम वेरी बिग इन साउथ सर, बट सर आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट सर, तो यू टेल मी सर। तो लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी गुड इन साउथ इंडस्ट्री, बिकॉज द बेस्ट थिंग उस इंडस्ट्री की मुझे ऐसा लगता है कि द पीपल आर वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी वर्कलिक एंड वेरी पैशनेट एंड वेरी डिवोटेड टूवर्ड्स देयर वर्क, वेरी पंक्चुअल। ये प्रभु सर के साथ मैंने मतलब 9 का 9:15 भी नहीं होना चाहिए, सो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। उससे आपका क्या डेकोरम मेंटेन रहता है आपकी यूनिट में, आपके जो लोग होते हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग बहुत ही अटेंशन में रहते हैं कि नहीं नहीं भाई फोकस, बिकॉज द डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप इज लिटिल स्ट्रिक्ट एंड विच इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ वेरी गुड। सो दैट्स द बेस्ट थिंग, आई रियली लाइक इट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क समथिंग गुड इन साउथ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, अभी देखता हूँ कोई एक आध मैनेजर अगर ये इंटरव्यूज देख रहे हैं तो तुम लोग भी समझ लो भाई, आओ हमारे पास मिलो, अभी आओ हवेली। साउथ इंडियन जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो इस समय जब भी इंटरव्यू देख रहे होंगे तो इस बात पे ध्यान करें कि हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत स्मार्ट एक्टर हैं, तो उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया तहे दिल से आपका शुक्रिया। और संतोष भाई, आजकल एक और चीज़ जो है न्यूज़ जो है वो बज में है, और वो है कि भाई जो है अगली फिल्म कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह के बारे में ब्रेक लग गया है, तो आपकी कभी कुछ बात हुई, जिक्र हुआ कुछ? नहीं नहीं, इस टॉपिक पे लेकर के मेरा उनसे कभी कोई जिक्र नहीं होता, वो इनकी एक प्रोफेशनल लाइफ है और यार 31 साल से वो आदमी वही काम कर रहा है, तो हम तो बहुत कुछ आसपास भी नहीं है उनके, और वो बेहतर समझते हैं कि उनको कौन सी फिल्म करनी है और कौन सी नहीं करनी, तो अपने हिसाब से मेरे ख्याल से वो जो भी आएगी वो अपने फ़ैन्स को कभी नाराज़ नहीं करेंगे। इतना मुझे पता है कि सलमान खान जो है वो अपने फ़ैन्स को बहुत प्यार करते हैं, और शायद उतना प्यार करते हैं जितना उनके फ़ैन्स उनको करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो अपनी ईदी लेने ज़रूर आएगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बॉलीवुड नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को संतोष शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। दबंग 3 20 दिसंबर को अपने निकटतम सिनेमा गृह में देखने जरूर जाएं, चुलबुल पांडे जी को देखने। लव यू ऑल, जय हो। थैंक यू सो मच भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।